25% जे रिजर्वेशन आहे ते बेरोजगार संघटनेला दिले आहे आणि 25% जे रिजर्वेशन आहे ते ओपन साठी ठेवलेले आहे। हा कायदा रेट नहीं ओपन हुआ है क्योंकि उसने रेट ज्यादा भरा हुआ है। उसने सर्टिफिकेट दिया है 25 करोड़ का लेकिन प्राइवेट कंपनी का दिया हुआ है, तो उन लोग प्राइवेट कंपनी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको फायदा एफएसको को पहुंचाना है। एफएसको ने भरा है 27.90 रुपये का रेट, ये ओपन भी हो गया उनका रेट है जबकि मार्केट रेट 40 रुपीज का है। आप मार्केट रेट न्यूज़पेपर का भी उठा के देखें तो स्क्रैप का रेट आज 40 रुपीज का के वो हिसाब से उसका 20 करोड़ का जो रेट पार्टिसिपेट किया उसमें डिफरेंस आता है। ये जो पाइपलाइन है ये लगभग कितने किलोमीटर की और कहाँ से कहाँ तक? ये आपकी पाइपलाइन जो है तानसा झील है, इधर से भिवंडी से स्टार्ट होगी और तानसा झील तक जाती है। सब तरफ दिखाई ऐसा सर्वे ने कहा ये इससे पहले भी एफएसको के साथ महानगर पालिका कर रही है, लगभग 2 साल से ये गेम खेल रही है। इससे पहले ये टेंडर था ही नहीं पाइपलाइन में ऐड, तो भी उन लोगों ने इसको दे दिया था। लेकिन वंचित बहुजन अघाड़ी की ओर से ये मुद्दा क्यों उठाया गया? वंचित बहुजन अघाड़ी की ओर से उठाया गया, कुछ स्क्रैप मर्चेंट ने हमारे पास आके कांटेक्ट किया और हम लोगों को बोला, तो वो हिसाब से हम लोगों ने इसमें इंटरफेयर किया। ये पार्टिसिपेट वेंडर लोग का लेटर आया हमारे पास जो 49 है कि हमारी महानगर पालिका कोई सुनवाई नहीं कर रही है, इसलिए हमको इसमें आप लोग कुछ इंटरफेयर करें। इसलिए हम लोग के और हमारे कार्यकर्ता ने इसमें डीपली इन्वेस्टिगेशन किया और करने के बाद ये चीज़ बाहर निकाल के लाया। मर्चंट सर तुम्ही आरोप केला की महानगर पालिका बचत गटांच्या महिलांना मुंबईतील 24 वॉर्डमधील बचत गट आहेत त्यांना उद्ध्वस्त करण्याचं बचत काढलेली आहे। हे फक्त आज आम्ही 3च मुद्दे घेतलेले आहोत, पण ह्याच्या पलीकडे महानगरपालिकेचे बरेच मुद्दे आहेत आमच्याकडे, ज्याची आम्ही सुरुवात करणार आहोत की आत्तापर्यंत महानगरपालिकेने हे सगळं प्रक्रिया का केली। आणि महत्त्वाचा मुद्दा मांडेन ह्याच्यासाठीच ही गव्हर्नमेंट नगरसेवकाची किंवा महापौरसाठीची निवडणूक 2 वर्षापासून टाळत आहेत असा आमचा वंचित बहुजन आघाडीचा आरोप आहे। महिलांना सक्षम करण्याचं हे हम लोग 4 महीने से पहले किए हैं क्योंकि इधर के जो बाधित लोग हुए हैं उन्होंने वंचित बहुजन आघाड़ी के हमारे मुंबई के अध्यक्ष जो अबुल हसन खान साहब है उनके पास कुछ कंप्लेंट किया कि बाबा ऐसे ना ऐसा ही काम हो रहा है, तो वंचित बहुजन आघाड़ी के वती से उसका एक डीपली सर्वे किया गया। हम लोग खुद जाके अश्विनी जोशी मैडम जो है इकबाल चर साहब से हम 6 महीने से लेटर भेज रहे हैं, हम मीटिंग्स मांग रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन वो सीधा बोलते हैं ये अधिकारी से मिलो वो अधिकारी से मिलो, मतलब ये सब 4 से 6 महीने से लग ले। हम बोले कि नहीं अभी बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि इससे बहुत पब्लिक बाधित होने वाला है और ये जो कॉरपोरेट जग ला रहे हैं उसका तो पर्दाफाश करना चाहिए। पर्दाफाश का कार्यक्रम आज पोल खोल से महानगर पालिके का भ्रष्ट अधिकारियों का पोल खोल से वंचित बहुजन आघाड़ी ने आज से स्टार्ट किया। तो ये फाइनेंस इकट्ठा करने के लिए सारे टेंडर होते हैं, जब आचार संहिता लगने का वक्त आता है तभी सारे टेंडर फाइनलाइज होते हैं। इस समय जितने बड़े अधिकारी हैं टेबल पे रख के सिर्फ टेंडर ही साइन कर रहे हैं। आगे चल के जैसे आप क्या रणनीति रहेगी वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ आगे चल के? ये अभी जैसा हमारे महासचिव साहब ने बताया अगर 8 दिन के अंदर कोई पॉजिटिव नई रिएक्शन उधर से दिखाई देता है तो हम लोग महानगर पालिका पे आंदोलन लेने वाले हैं।